मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेहतर कानून व्यवस्था के दावों को जनपद पीलीभीत की पुलिस ने किया बेनकाब। ताजा मामला जनपद पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र के गांव भागा डैंडी के रहने वाले कयूम पुत्र महबूब शाह को हिरासत में लेकर जनपद के थाना बरखेड़ा और थाना अमरिया में रखकर 9 दिन तक मारा पीटा। वहीं कयूम और उनके बेटे राशिद को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर जमकर मारा पीटा। उसके बिजली का कट तक लगाया गया। यह कहना है कयूम के परिजनों का। उनका यह भी कहना है कि 2 दिन पहले ही थाना अमरिया पुलिस ने कयूम को जख्मी हालत में जेल भेज दिया, जहां कयूम की हालत बिगड़ते देख जेल प्रशासन ने जिला अस्पताल पीलीभीत को रेफर कर दिया। वहीं जिला पीलीभीत अस्पताल से कयूम को बरेली रेफर कर दिया गया। बरेली जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कयूम की गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ अस्पताल में रेफर किया, जहां लखनऊ अस्पताल में भर्ती इलाज के दौरान मौत से पहले कयूम ने मीडिया कर्मियों को आपबीती सुनाते हुए पुलिस पर आरोप लगाए थे। कयूम कहाँ रहते हो? थाना कौन सा लगता है? थाना जहानाबाद। क्या हुआ था? अरे साहब वाले उठा ले गए मुझे, चौकी वाले पुलिस ने उठा ले गए। कहाँ से? कौन से चौकी वाले? मैं जो कौन था पर आया जो अरे बीसलपुर को जाए। फिर क्या हुआ था? रास्ते में पड़ा है वो खाले खा रहा है कपड़े दुकान पे थे। मुझे 8 दिन मारा बराबर लग गए। क्यों मारा था? क्या वजह थी? चोरी बता दो कहाँ कहाँ हुई है। मैं कबाड़ा में जाऊँ चोरी में, जब मेरा क्या मतलब है चोरी का? कहीं नहीं बताया खा ले तो तुम्हें मार गया दो बड़ कर देंगे 8 दिन में खाने। कब भर्ती हुए थे यहाँ पर? हाँ कब भर्ती हुए थे? यहाँ भर्ती हुए हैं कल आए, कल परसों हुए जेल में आ गए भर्ती। जेल आ गए, जेल में तबीयत खराब हुई। किस जगह? कौन से जिले के रहने वाले हो? हम रहने वाले हैं भंगा डांडी के। और थाना? थाना जाना वाल लगता है हमारा सर। जिला? जिला भी दिलवीर लगता है। पुलिस की पिटाई से हुई कयूम की मौत का संज्ञान लेते हुए ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा मामले की जांच के लिए MIM उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य तौफिक प्रधान के नेतृत्व में कमेटी गठित कर पीड़ित परिवार से मिलकर मामले की जांच कर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर मामले पर संज्ञान लेने को कहा, जिस पर MIM के वरिष्ठ नेता तौफिक प्रधान ने आज मृतक कयूम के परिजनों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए पीड़ित परिजनों को पत्रकारों से रूबरू कराने के बाद पत्रकारों को बताया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। आपके पिताजी का क्या नाम है? कयूम साहब। जिनकी मृत्यु हुई वही है आपके पिताजी? हाँ, क्या मामला था ये पूरा? हमारे पापा फेरी कर रहे थे कबाड़ में, तो फेरी करने से उनको उठा लिया उन लोगों ने। किन्होंने उठाया? जिरौनिया थाने की पुलिस ने, SOG की टीम ने। अच्छा, तो वहाँ पर उनको ऐसी मारा उन लोगों ने, बहुत पेट्रोल छिड़क दिया और नमक डाल के उनके ऊपर मारा, पट्टे चलाए उनके ऊपर। फिर चार पुलिस वालों ने उनको उठा उठा के बराबर से फेंका फरस पे। फेंकने के बाद अब उनको आ गया बुखार। फिर सुबह को गए दवा दिला के लेकर, फिर उन्हें मारा, फिर अमरिया थाने में ले गए। फिर अमरिया थाने वाले SOG की टीम ने मारा उनको। फिर गए बीसलपुर, फिर बीसलपुर ले गई पुलिस SOG की टीम। फिर उन लोगों ने उनको मारा था, बहुत मारा, गर्दन दबाई और बरखेड़ा में ले गए। फिर उनके साथ बहुत गलत पेश आए ये पुलिस वाले SOG की टीम। इनके साथ में आपके भाई को भी उठाया था? भाई को भी। क्या नाम है उस भाई का? मोहम्मद राशिद। उसको भी मारा था क्या? हाँ, उसको भी मारा था। उसको चार पाई पे लेटाल के उसके करंट लगा बिजली के। अच्छा। ऐसी क्या आपके 15-16-17 साल का है? आपके पिताजी चोर चवा थे या बदमाश थे? नहीं, कुछ भी नहीं थे हमारे बाप, और हम मजदूरी करते हैं, फेरी करते थे। आपका भाई? हमारा भाई भी फेरी कर रहा था, भट्टे पे भी चले जाते हैं, चौमासों में घर पे रहते हैं फिर भट्टे पे चले जाते हैं, बस यही हमारा काम है और कुछ नहीं। प्रधान जी, आज आप पीलीभीत के गांव में आए हुए हैं, क्या है ये पूरा मामला? ये बरखेड़ा जो थाना है और तुम्हारा दूसरा थाना कौन सा था? अमरिया। इनको कयूम भाई को बता रहे हैं कि 10-12 दिन से 10 दिन हो गए बंद करे हुए, तो इनके चालान करने से पहले मैंने इनको इंस्पेक्टर को बरखड़ा इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब, मैं तौफीक प्रधान बोल रहा हूँ बरेली से, मैंने आपने सर ये गरीब उन्हीं लोग उठा लिए हैं, ऐसा मत कर देना, कोई गलत फलत आदमी आप भेज दो। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि मेरा संदेह तो जा रहा है कि जो क्राइम करे हुए लोग थे
उनको कहीं ना कहीं छोड़ा इन लोगों ने, प्रशासन ने, और सीधे साधे लोगों को जेल भेज दिया। जब मुझे ये बात पता लगी, फिर मैंने बड़खेड़ा इंस्पेक्टर साहब से बात की, मैंने उनसे कहा, उनको अवगत कराया, मैंने सर आपने विवेचना करके सही करके भेजा है कि आपने निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया है, इसमें बिल्कुल महा गरीब लोगों को जेल भेजा गया है, और जबकि हमारे कईयों भाई इतना मारा, पता इतना मारा कि उनकी इतनी हालत खराब हुई कि आज उनका रात में इंतकाल हो गया। इसका गुनाहगार कौन है? इसमें जो मुखबर हैं वो गुनहगार हैं, और पुलिस प्रशासन जो मुखबरों को कहने, दलालों को कहने पे जो काम किया है उनकी वजह से ये मौत हुई। जी, अब इसमें आप आगे क्या कार्रवाई करना? मैंने आज एडीजी से कहा भी था, आज एडीजी के पास गया था, एडीजी साहब आज मुझे मिले नहीं, कल मैं एडीजी साहब के पास 10 बजे जाऊंगा और पूरे इस मामले की बात रखूंगा।